कोई भी सवाल पूछ लेते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू में चार चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी आप आम कैसे खाते हो? आप आम को छुरे से काट के खाते हो, छील के खाते हो, या फिर चूस के खाते हो? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, थोड़ी देर सोचकर ऐसे ऊपर की ओर देख के कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं बाकी हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानियों जैसे बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ऊपर से परमात्मा ने भेजा है। हम सब बायोलॉजिकल, नरेंद्र मोदी परमात्मा जी ने भेजा है मिशन पर। अच्छा, मिशन कौन सा? नरेंद्र मोदी जी के अजीब से परमात्मा है, वो अदानी जी का काम करवाते हैं, अंबानी का काम कराते हैं, अरबपतियों का काम कराते हैं, बनारसी साड़ी जो बनाते हैं, बनारसी पान जो बनाते हैं, उन पर GST लगा देते हैं, यहां गरीब किसानों की जमीन छीन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये आपके जो परमात्मा है, ये कैसे परमात्मा है? अगर सचमुच में परमात्मा होते तो गरीबों की मदद करवाते, कमजोर लोगों की मदद कराते, अदानी अंबानी की सरकार नहीं चलाते। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया अरबपतियों का नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ दिन पहले पुणे में अमीर घर के बच्चे ने, 16-17 साल के बच्चे ने करोड़ों रुपए की गाड़ी चलाकर, पोर्श गाड़ी चलाकर 2 लोगों की हत्या की। कोर्ट ने उस बच्चे को कहा कि 300 शब्द का तुम ऐसे लिखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बनारस का कोई स्कूटर वाला, ऊबर वाला, टेम्पो वाला किसी को गलती से मार देता है तो कोर्ट उससे 300 शब्द का ऐसे क्यों नहीं लिखवाता है? अमीर घर का बेटा लोगों को मारता है, उससे कहते हैं 300 शब्द का ऐसे लिखो, और गरीब घर का बेटा किसी को मारता है, गलती से मारता है, ऑटो रिक्शा चलाते हुए मारता है, ट्रक चलाते हुए मारता है, बस चलाते हुए मारता है, तो उससे कहते हैं ये लो 10 साल की जेल काटो, और चाबी उठा के फेंक देते, हथकड़ी लगा देते। ये है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान अरबपतियों का। इसमें गरीबों से बिना पूछे जमीन ली जाती है, सही रेट नहीं दिया जाता, अरबपतियों का कर्जा माफ होता है, गरीबों पर GST लगता है, और जो भी सपना अमीर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और गरीब लोग गरीबी में फंसे रहते हैं। उन्हीं चमचों ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया, कहते हैं नरेंद्र मोदी जी, कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 सेकंड सोचा, ऐसे सोचा, उसके बाद चमचों से कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको गरीब बना दूं? नहीं नरेंद्र मोदी जी, हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं अमीर लोगों को मिले वो गरीबों को मिले,
जो बैंक लोन उनका माफ होता है, वही बैंक लोन छोटे व्यापारियों का माफ हो, वही बैंक लोन किसानों का माफ हो, वही बैंक लोन स्टूडेंट का माफ हो। जो उनके लिए आप करते हैं वो गरीबों के लिए आप कीजिए, ये हम चाहते हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन ने मन बना लिया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों को दिए, अब हम लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। इस पवित्र काशी में लाखों लोगों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे, जिनकी जमीन छीनी गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पे आएंगे, जिन पर गलत जीएसटी लगाई गई है उन परिवारों के नाम इस लिस्ट पर आएंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार को के नाम परिवारों के लिस्ट पे आएंगे। और फिर 5 जुलाई को आप अपना बैंक अकाउंट सुबह देखोगे, काशी में लाखों परिवार अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे और हिंदुस्तान इंडिया की सरकार ने आपके बैंक अकाउंट में खटाक से 8,500 रुपए डाल दिए। जुलाई में 8,500, अगस्त 8,500, सितंबर 8,500, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 8,500, खटाखट 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 अंदर लाखों करोड़ रुपए हम आपको देने जा रहे हैं। यहां जो किसान है, आपकी इन्होंने जमीन छीनी, हम जमीन अधिकरण बिल लाए थे, नरेंद्र मोदी ने रद्द किया, हमें धमकाया कि इस बिल के लिए नहीं लड़ो, हम लड़े मगर तब भी इन्होंने स्टेट लेवल पे इस बिल को रद्द किया। हम आपकी जमीन की रक्षा करेंगे, आपको सही रेट दिलवाएंगे, और काशी के किसानों आप अच्छी तरह सुन लो, हम आपका कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार काशी के किसानों को कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने जा रही है, सही दाम मिलेगा आपको अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, जो भी आप उगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानूनी मिलेगी। भाई और बहनों, पहली बार बनारसी साड़ी वालों पर, बनारसी पान बनाने वालों पर जीएसटी लागू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।